इन शॉर्ट और थोड़ा उसको शॉर्ट कर समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्ट्री है क्या, हमें उससे जुड़ा है। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो मैटर के अलग, यानी सॉलिड लिक्विड गैस स्टडी करती है, ठीक है। अब एक मिनट करना पड़ेगा। की जानकारी जो हासिल करेंगे आपको साइंस की, क्या ये एक्स्ट्रा इसमें क्या चीज है भाई। सॉलिड लिक्विड गैस हमने फिजिक्स में, तो इसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो रिएक्ट किया जाता है, जब कोई भी मैटर किसी भी हाल मौजूद है, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। जरूरत क्या है, तो वहां पर फिजिकल स्टेट मैटर की चल रहा है, ठीक है। किस तरह से वो, ऐसी बात है कि छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम कह रहे थे वो होता है एटॉम की स्टडी। यू मान लीजिए कि केमिस्ट्री एटॉम की स्टडी, रिएक्शंस जो दो एटम्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा, उन सबको कवर करता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को समझते हैं कि मिडिल साइंस, ठीक है, मिडिल साइंस, क्योंकि ये कनेक्ट होती है एक साथ, ठीक है। कैसे होती है वो हम लोग समझेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग जो भी हम वो केमिकल से बनी हुई, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, प्लांट्स एनिमल्स वाटर्स वगैरह वगैरह, बायोलॉजी में जैसे आप कहेंगे कि बॉटनी, यानी ऐसी साइंस जो पौधों की साइंस है, उसमें क्या जरूरत है इसको मालूम होना चाहिए ना। खाना बॉडी में अपनी खुद बनाते हैं पत्ती, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको फोटो, तो जहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप से रोल एडजस्ट करता है। देखिए वाटर जैसे पानी है, विद टू एटम मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन, और एयर जो कि मिक्सचर है अलग अलग गैस नाइट्रोजन आर्गन वगैरह का, सॉइल विच इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सॉइल यानी मिट्टी से आपको कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक आयरन वगैरह मिलता है। सब का सब बॉडी ह्यूम मतलब एनिमल बॉडी में जाता है फूड चेन के थ्रू, ठीक है। सैंड क्या है, यानी बालू, देखिए ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। ये सब का सब चीजों की स्टडी केमिस्ट्री के अंडर आती है, और साथ साथ बहुत ही यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है जब फूड और हेल्थ सेक्टर, तो हम इन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब इसका बेस है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने फिजिक्स में भी मैटर के स्टेट से शुरू किया था, इसी तरह केमिस्ट्री में भी ठीक है। मैटर इज एनीथिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और मैटर किस से ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है, छोटे पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जी हम एटम्स, और एटम्स के जो बड़े भाई हैं क्या कहते हैं, एक से ज्यादा एटम,
फैमिली एटम की वो कहलाती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है दो या दो से ज्यादा एटम से बन सकता है, ठीक है। एक्सेप्शनल एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, तो हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस रहती हैं। मैटर को जनरली सॉलिड लिक्विड गैस में आप यहां पर जो हमें गौर करने वाली बात है उसको जरा देखिए ध्यान से। जो सॉलिड्स हैं इसमें एटम्स के एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रखते हैं, बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत ज्यादा घने आबाद हैं और कर सकते हैं लीस्ट कंप्रेसिबल, आप उसको ज्यादा दबा नहीं सकते, ठीक है। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स लूजली पैक्ड हैं, अपना डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन इनमें वॉल्यूम होता है और दबाए जा सकते हैं। गैसेस में जो एटम और भी ज्यादा लूजली पैक्ड हैं एक दूसरे के बीच में, बहुत शेप और वॉल्यूम दोनों ही है, इसी वजह से इनको हम दबा भी सकते हैं ज्यादा। आइए बात करें सब्सटेंस जो कि बनता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने पे, किसी भी प्रोपोर्शन में दो या दो से ज्यादा चीजों को आप एक साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा मिक्सचर, ठीक है। इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, जस्ट लाइक एयर क्या है, मिक्सचर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह का, ठीक है। इसी तरह ऑर्नामेंटल गोल्ड क्या है, वो सोना जिसके गहने बनते हैं, ये मिक्सचर है गोल्ड और कॉपर का। अब यहां पर बात करिए कुछ टर्म्स को हमें अच्छे से जान लेना है, जस्ट लाइक एटॉम। एटॉम क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। एटॉम क्या है, जो मैटर का सबसे छोटा सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल जो डिवाइड सकता और पार्टिकल ऑफ अ मैटर ही छोटा जो डिवाइड ना हो सकने लायक है वो है मैटर का एटॉम। ओके, जो मॉलिक्यूल एटॉम्स के ग्रुप को सेम मैटर के ग्रुप वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड्स ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटॉम्स फॉर्म बाय और मोर। अब यहां पर बात आई कि कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म बाय टू और मोर एटम्स इन अ नेशन। दो या दो से ज्यादा एटम्स के ग्रुप को एक साथ जब मिलाया जाएगा फिक्स प्रोपोर्शन तो बनेगा कंपाउंड, ठीक है। आपको समझ में आएगी, जैसे वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक वो, ठीक है जी, समझना है। तो लिहाजा हम उधर नहीं जा रहे हैं कि कंपाउंड में और क्या खूबी होती है, बस मिक्सचर और कंपाउंड का फर्क समझ लीजिए। मिक्सचर में सब कंपाउंड में मिलाए जा सकते हैं, ठीक है, और जैसे नमक अगर आप घोलेंगे, ठीक है, तो और पानी दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, यानी पानी का जो टेस्ट है, जो टेस्ट क्या रहता है वो मेंटेन रहेगा, और नमक क्योंकि नमक रहती, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो जो जिन चीजों से मिलकर वो कंपाउंड गोभियां खो बैठ कंपाउंड, ठीक है। जैसे अब इनको मिलाइए तो वाटर बनता है ना, तो अब यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन ऐसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन खुद जल सकती है नहीं है, लेकिन जब पानी बनते हैं दोनों खूबियां खत्म कर देते हैं, नई खूबियां आ जाती हैं उसमें। करते हैं मिक्सचर्स के टाइप्स की, दो कैटेगरीज में
डिवाइडेड हैं, हेटरोजीनियस मिक्सचर यानी वो मिक्सचर इसमें उसको बनाने वाले हैं जो उसको बनाने में हिस्सा अबर से मिक्स ना हो सके तो हेटरोजीनियस में जैसे, और आसानी से इसको अलग भी कर सकते हैं, दिखाई भी देते हैं, सैंड और साल्ट है और वाटर और ऑयल है का मिक्सचर देखिए, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है दोनों। होमोजीनियस मिक्सचर वो है ये यूनिफॉर्म हो, ठीक है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट इजिली विजिबल, दिखाई भी नहीं देंगे, जैसे ठीक है अलॉयज हैं, मेटल्स को मिलके बनाते हैं, तरह ही पाए जाएंगे। अब बात चल रही है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होम टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या। अब इसमें दो चीजें अहम, जैसे शुगर सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज, सॉल्वेंट यानी बुला जाए जो घुले, जो घुल सके वो सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है, ये वो कंपोनेंट है जो डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ये सॉल्यूट, ठीक है, अब केगा वो कहलाएगा जिसमें है, जिस चीज को घोलेगा अपने अंदर वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट गेट डिसॉल्व वो होता है सॉल्वेंट, जैसे इसके अलावा दो चीजें तो हो गई, सॉल्यूशन के तीन दो हिस्से हैं, तो सॉल्यूशन बनता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है क्योंकि ये चीजों को डिसॉल्व कर सकते, ठीक है, ज्यादातर चीजों को, ओके, डिस्टिलेशन ये क्या चीज है, लीजिए लिक्विड्स को ऐसे बॉईल किया जाए बूंदे यानी वेपर में कन्वर्ट हो और उसके बाद फिर उसे ठंडा करके डिस्टिल करें, ऐसा क्यों करते हैं, जब आप किसी लिक्विड को गर्म नीचे रह जाएगी पानी की बूंदें उड़ जाएंगी, उन पानी की बूंदों को जब आप ठंडा कर तो वो उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। अब आइए बात करें सब्लिमेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है कन्वर्टिंग द सॉलिड डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इन, ये सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो सॉलिड को कन्वर्ट करने का यानी को सीधे में कन्वर्ट करने का तरीका ये कि सॉलिड पहले घुले लिक्विड बने पर बनता है यानी गैस में बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई सॉलिड ऐसा होता है कि सीधे घुल करके हवा बन जाए, ठीक है, तो ये सब्लिमेशन से काफूर यानी नेफ्थलीन बॉल वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। आप अपनी बुक खोले होंगे तो आपको चीजें दिख रही होंगी, ये जो दो चीजें आपने इधर देखी हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर की बात हुई है, मास नंबर की बात हुई है, तो आप यहाँ पर तीनों चीज थोड़े में सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया गया, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो गए तो ये बहुत मुश्किल हो गया कि हर भाषा में एक जैसा ही नाम शब्दों का हो, तो फिर इसके ऊपर मीटिंग की गई, बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया कि भाई पूरी वर्ल्ड में हाइड्रोजन को अपनी लैंग्वेज में आप जिस भी नाम नाम से जाने, लेकिन जब केमिस्ट्री में जब डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन को एच कहेंगे, हीलियम को एच ई कहेंगे, लिथियम को एल कहेंगे, ठीक है, एल आई, और बेरिलियम को बी ई कहेंगे, बोरॉन को बी कहेंगे, इस तरह से।
अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, जो आखिरी एटम्स जो होते हैं, एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो इनमें जो बाहरी आखिरी शेल है, शेल कह सकते हैं रास्ता या एनर्जी लेवल, उसके अंदर एटम्स की टेंडेंसी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, बट वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे मेंटेन होना चाहिए, इसलिए वो एक दूसरे से लेन देन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है। तो मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों आपके के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के पता कर सकते हैं आप। इतना मास नंबर है, यानी वजन सारा मास नंबर कहलाएगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिसाइजली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके स्ट्रक्चर पर बात हो रही है, ठीक है, उसी से जुड़े हुए ये टर्मिनोलॉजी है। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम में, तीन ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो उसके अंदर होते हैं एटम के। तो वो तीन चीजें क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रली या चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी अब आप समझ गए होंगे कि जो है उसके अंदर तीन हिस्से हैं, तीन चीजें हैं, तो एटम बनता है, यानी एक न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन के ऊपर माना जाता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और एटम नॉन न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है कि जितने प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होना चाहिए, इसलिए ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस ध्यान रखिए। अब स्ट्रक्चर तो अब इसमें क्या क्या है, एटम को माना गया है कि स्फीयर की तरह है और डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत घना आबाद है, उसके न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के चलने के छह मौजूद हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं, इनके अपने मौजूद हैं, के एलिमेंट शेल्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसका तरीका क्या है, जनरल फॉर्म है 2n2। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, यानी फर्स्ट शेल मतलब वन का मतलब, फिर मतलब n की जगह वन रखेंगे, जैसा कि k, वेयर फॉर k यानी शेल k को देख नंबर उसका है वन, तो इसके अंदर 2n2 करेंगे तो n की जगह वन डालिए, तो आपको आराम से दिखेगा 2 × 1 मतलब 2, यानी पहली शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 2² × 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब इसके बाद देखिए थर्ड शेल में, एम शेल में 18 एंड सो ऑन, चौथी शेल में 32, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जाननी है जो इस क्लास का आपका कोर्स नहीं है, बट आप जान लीजिए कि शेल्स जो बने, एनर्जी लेवल जो बने हैं उनके अंदर भी और सब शेल्स हैं, जैसे अर्थ अपनी जगह पे भी घूमती है, खुद भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक इसी तरह एटॉम के मामले में भी होता है, ठीक है। तो अब अपनी जब जो उसका रास्ता है उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन किस तरह घूम रहे हैं उसके लिए शेल्स को और सब शेल्स की जरूरत होती है, जिसको SPDF नाम से हम समझते हैं। शेल्स हैं इनमें मैक्सिमम d=10 यानी 10 ही तक पहुंच पाएंगे, f=14। ओके, ये आपके लिए
और अपर लेवल का काम है। तो यहां पर देखिए, अब अगला पार्ट देखिए जो हमें समझना है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसी एटम में मौजूद हैं, और चूंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो हम दोनों को ही, जब भी एटॉमिक नंबर लिखा होगा तो हम नॉर्मली ये समझेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मास नंबर, जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एटम में, उनका टोटल जो है वो मास नंबर कहलाता है। कभी कभी आइसोटोप्स थोड़ा डिफरेंट तरह की चीज है, एलिमेंट्स जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनका मास अलग अलग हो तो कहलाएगा आइसोटोप्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है? अब ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग शेल्स में, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए वो और आगे डिस्कस होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, 16s 32, तो 15 25 वगैरह वगैरह। ये देखिए पूरा सिस्टम है, ये आपको नेक्स्ट 11th क्लास में जा करके क्लियर किया जाएगा, लेकिन आपको ये जान कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, अभी 10th लेवल तक आपको जो बुनियादी चीजें जानना है वो जानी है, ताकि गलत मलत ना हो जाए चीजें। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है? जब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ना चाहता है, तो उस जुड़ने में जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है उसको आप वैलेंसी कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन या तो ये शेयर कर ले किसी से या फिर दे दे, ताकि इसका कॉन्फिगरेशन तो ज्यादातर ये शेयर कर सकता है, दे भी सकता है। जैसे हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन रखे है आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन रखे है टोटल, और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसने, तो इसका मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो हाइड्रोजन से ले सकती है। तो दोनों जुड़ेंगे, एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, HCl फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आयंस क्या हैं ये समझ लीजिए, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आपने कहा ना 1+ वैलेंसी है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो आयन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन का जो आयन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कहते हैं आयन। ठीक है, यानी चार्ज एटम्स को आयन कहते हैं। अब इसमें दो तरह के आयन होते हैं, कैट आयन और एनायन। कैट आयन कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव जितने भी, जैसे हाइड्रोजन का मैंने एग्जाम्पल दिया वो कैट आयन बनाएगा। उसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, ये सब कैट आयन में, जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्साइड, ये सब जो बनते हैं। और जब आयंस बनते हैं, अब देखिए, और क्लोरीन जो है क्लोराइड बन जाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सी चीजें। तो अब जैसे ये है ना, सोडियम क्लोराइड कहा जाए, सोडियम क्लोरीन नहीं कहेंगे, NaCl लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड कहेंगे, क्योंकि Cl जो है वो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज आयन। हाँ, अब अगले हिस्से में आपको जो जानकारी दी गई है, ठीक है, वो जानकारी मेटल्स और नॉन मेटल्स में नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। Gracias.